मॉर्निंग और मेरी चाय हो गई है। आज सुबह से मैं सोच रही थी कि आप लोगों से बात करूं, बट टाइम नहीं मिल रहा था। बाबू ना तो टाइम देती है कि मैं बात कर सकूं, इसलिए अभी मैं किचन में खड़ी हूं और आप लोगों से बात कर रही हूं। आइए आज देखते हैं कि मैं क्या क्या करती हूं अपने मैके में। तो बस मेरी चाय रेडी हो गई है, मम्मी के लिए मैंने कॉफ़ी बना दी है, श्रीनिका का दूध गर्म कर दिया है। और सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? बाय कर दो मम्मी, बाय कर दो। चाय पी लिया मैंने और अब देख रही हूँ मैं आपके किचन कितना ज़्यादा मिशअप हुआ पड़ा है। बस चल रही हूँ मैं किचन को क्लीन करूँगी और आज मैं बनाने वाली हूँ छोले। सोच लिए काम फटाफट से शुरू कर दें क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। श्रीनिका के साथ बिजी रहते रहते ना समझ ही नहीं आता कि टाइम कैसे निकल जाता है। और अभी तो घर में दो दो बच्चे हो गए तो अभी काम भी तो डबल हो गया है। सो अभी चलते हैं फटाफट से छोले बनाते हैं और उसके बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। और श्रीनिका भाई मामा के साथ खेल रही है और खाना यहाँ पे बन रहा है। बस ये बन जाए उसके बाद होगी भटूरे की तैयारी। आज का मेनू है छोला भटूरा और दही। सारा काम हो गया है और अभी एक मिनट आपको मैं दिखाती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ कि ये मेरा दूध उबल रहा है और छोले में सीटी लग रही है। भटूरे का आटा हो गया है रेडी और अभी जब सब लोग तैयार हो जाएंगे तो फिर खाना खाना होगा। हो गई है सारी प्रिपरेशन। सो हो गई है दोपहर और सब लोग सो गए हैं घर में, सिर्फ मैं और मम्मी जगे हुए हैं। मम्मी इसलिए जगी हैं क्योंकि वो कुछ काम कर रही हैं। किस काम में लगी है मम्मी? अरे अलमारी मेरी बहुत खुल गई थी, उसी को मैं सेट कर रही हूँ। अलमारी सही कर रही हैं आज? क्या हो गया, बच्चों के कपड़े ज्यादा और खा गया आपके साड़ियों में? आज तो मम्मी की साड़ियों का कलेक्शन पूरा एकदम छाया हुआ है। ये वाली साड़ी नहीं ली क्या इस बार करवा चौथ पे? ये तो नहीं देखे जनरल पहनने के लिए ये है। अच्छा आइए आज आप लोग को दिखाती हूँ मैं कि मेरी मम्मी की साड़ियों का कलेक्शन कौन कौन सा है और कौन सी उन्होंने नहीं ली है, कौन सी पुरानी। और मम्मी आपकी बनारसी साड़ी कहाँ है सारी? हाँ ये तो जनरल, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए अच्छी। इसका वर्क अच्छा है ये। बताइए मम्मी आपकी बनारसी साड़ी कहाँ है? बनारसी साड़ी है रात में रखी है। हाँ, एक मिनट में बस उसे निकालती हूँ और आप लोगों को मम्मी की साड़ियों का कलेक्शन दिखाती हूँ। ये जो रेगुलर वियर की साड़ीज रखी है तो ये है मम्मी के बनारसी साड़ियों का कलेक्शन। सबसे पहले दिखाती हूँ आपको मम्मी की सबसे फेवरेट और सबसे पुरानी साड़ी है ना मम्मी, ये सबसे पुरानी साड़ी है ना? पुरानी ये साड़ी मम्मी ने नाना के साथ खरीदी थी, मतलब नाना जी के साथ जब शॉपिंग कर रही थी तब इन्होंने ये साड़ी ली थी। इस तरीके से पूरी थोड़ी सी हैवी है लेकिन इसका जो वर्क है वो बहुत ही जबरदस्त है। और चूंकि जब नाना के साथ खरीदी हुई है तो ऑब्वियसली उसके साथ इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। तो ये है मम्मी की सबसे फेवरेट वाली बनारसी साड़ी है ना मम्मी, और ये मम्मी की शायद सबसे कॉस्टली साड़ी भी है बनारसी में।
और सर अभी जो आपने रिसेंट वाली खरीदी थी हमें वो कौन सी है बनारसी जो अब ये थी इसका कलर ये लेने हमा मम्मी दोनों गए थे और इसका कलर सबसे अच्छा और इसका स्टफ बहुत ही हल्का है मतलब यूजुअली बनारसी बहुत हैवी होती है लेकिन इसका कपड़ा भी बहुत हल्का था और इसका कलर तो मतलब बिल्कुल हम लोगों ने डमी से करवाई थी ना वो दे नहीं रहा था कह रहा था नहीं 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 देनी है मतलब दूसरी पसंद कर लीजिए लेकिन हम लोग को यही कलर पसंद था तो हम लोगों ने बोला कि यही कलर चाहिए अदरवाइज हम नहीं नहीं दे कलर था लेकिन नहीं कलर था पर अच्छा लगा और इसके कपड़े बड़े सॉफ्ट हैं हाँ इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है कपड़ा बहुत अच्छा है ये बहुत कम यूज हुई है मुझे लग रहा है और ये इसमें की एक और कलर की है पर्पल कलर है ना वो उसके मुझे दिखाऊंगी वो पता नहीं दिख नहीं रही कहीं पे मुझे लग रहा है ड्राई क्लीन करा के रखी ये है साड़ी इसका कलर बहुत अच्छा है ऑरेंज कलर ये नजर आ रहा है ये है मम्मी की एक और बनारसी साड़ी इसके बाद बनारसी का एक शिफॉन का कपड़ा आया आजकल ये लेटेस्ट ये मैं अभी सबसे नई कब ली इसको आप ये तो हम देखे भी नहीं थे ये लिए थे कजन के शादी पड़ी थी इसीलिए अच्छा हाँ 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 वो जो शादी ये अभी रिसेंट खरीदी हुई है शिफॉन की बनारसी है ये जस्ट मतलब मम्मी ने अभी ली है ये सबसे न्यू बनारसी और इसका तो फैब्रिक मतलब पहन लो तो मम्मी को तो वैसे भी हल्की साड़ियाँ पसंद आती है बिल्कुल ये शिफॉन का कपड़ा है पहनने के बाद बिल्कुल मज़ा आ जाए ये फैब्रिक इसका कलर बड़ा प्यारा है हाँ खूबसूरत है ब्लू कलर ये है मम्मी की साड़ी बनारसी हल्के ये मम्मी की एक और फेवरेट सिल्क की साड़ी है और इस पे इस तरीके से सिर्फ बॉटम में काम है लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि एक बार मम्मी सेट जाती तो हो जाती है हाँ एक बार सेट करके पहन लेती हूँ तो फिर ये बिगड़ती नहीं है बार बार आयरन करने की जरूरत इसमें नहीं होती हाँ बहुत सेट बहुत जल्दी प्लेट्स बहुत जल्दी बन जाती है फिर कई बार पहनने तो आयरन तुरंत तुरंत करने की जरूरत नहीं इसकी मेंटेनेंस नहीं होती है ज्यादा इजी टू वियर है बहुत आराम मिलती है बहुत इजी होती है मम्मी जी जब गोटे का बॉर्डर का फैशन आया था तब मम्मी ने ये साड़ी खरीदी थी है ना मम्मी बताइए इसको कैरी करना बड़ा मुश्किल हाँ लेकिन इसको पहनने में तो ठंडे के दिन में पसीने आ जाते हैं बहुत हैवी साड़ी है बाबा मम्मी बॉर्डर वाली साड़ी खरीद तो ली लेकिन इनको पहनने में बड़ी मुसीबत है जबकि ये साड़ी इतनी हल्की है इसकी प्लेट नहीं लगती है क्योंकि ये बॉर्डर इसके बहुत चौड़े है ना बॉर्डर तो बड़ी वाली पिन लगाया करिए ना इसमें बड़ी वाली पिन ये साड़ी है तो बहुत अच्छी लेकिन मम्मी कम पहनती है क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी हो जाती है उनको कैरी करने में मुश्किल हो जाती है इसको मम्मी हमेशा ना फ्री पल्लू में पहना चाहिए तो ये फ्री पल्लू में ही अच्छी लगी इसको तो खैर जरी का तो वो नहीं है लेकिन फिर भी मुझे पसंद आ गई इसकी जरी इसलिए हमने ले लिया इसके कपड़े भी बहुत सॉफ्ट हैं इतनी जरी के बाद भी पहनना बहुत इजी है इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है और कलर बहुत यूनिक है ग्रीन कलर मुझे प्रिंट जरी बहुत अच्छी लगी और ये ग्रीन कलर आपके पास और किसी मतलब इस कलर की और कोई भी साड़ी नहीं, नहीं, नहीं है ना ये 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 इसके जो फ्लावर्स की डिजाइन है ना ऐसे रोज फ्लावर्स ये चीज बहुत अच्छी है इसकी सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का पूरे दिन का मॉर्निंग रूटीन और मम्मी की बनारसी प्लस नॉर्मल साड़ियों का कलेक्शन जो कि औरतों की जान होती है इतनी साड़ियाँ होंगी सबके पास इतने सारे कपड़े होंगे लेकिन जब भी कबर्ड खोला जाएगा तो यही कहा जाएगा कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है मेरे पास तो साड़ियाँ ही नहीं मैं पहनूँ क्या अगर आपके भी मन में यही ख्याल आता है हमेशा अपने कबर्ड को खोलने के बाद किसी पार्टी में जाने से पहले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग उस टाइम पे क्या करते हैं या क्या सोचते हैं और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और ये भी बताइएगा कि कौन सी साड़ी आपकी फेवरेट बनी सो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स बाय बाय